सर। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं हूँ रविशंकर। सर क्या हुआ सर? अरे वो जंगली जानवर फिर से सिटी में आ गया है। एमएलए के बेटे ने उस जंगली जानवर को किडनैप कर लिया है, तो फिर से उसने एमएलए और एमएलए के बेटों को टारगेट कर रखा है। उसको संभाल के और होशियारी से लेके जाना। एमएलए को फोन करके डराया भी है। उसने कहा है एमएलए से कि उसके बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा वो। उसे लगता है कि उसने बड़ा काम किया है। इस तरह का जो उसने प्लानिंग किया है, उसकी प्लानिंग को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और ऊपर से एमएलए जैसे लोग ऐसे जंगली जानवर को पालते हैं, और एमएलए साहब बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम इस केस की इंक्वायरी कर रहे हो, और वो हमें कमजोर समझ रखे हैं, नदी की मछली समझ रखे हैं वो। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि बोलकर हमारे हाथ को बांध रखे हैं। लेकिन इस ऑपरेशन को हम किस तरह से अंजाम देंगे ये मुझे अच्छी तरह से पता है। सतेश। यस सर। अगले 2 मिनट में जंगली का फाइल्स मेरे टेबल पर होना चाहिए। क्विक क्विक। यस सर। डू इमीडिएटली। हेलो जंगली, जिस जगह तुमने बोला था उस जगह पर आया हूँ। यहाँ हमारी बिल्डिंग का नया प्लॉट है, वहीं आ जाओ। राइट में ले। देखो जंगली जी, आपने जहाँ बोला उस जगह पे आया हूँ मैं। आपको बहुत सेफली, आपको सुरक्षित, आप जिस जगह बोलते हो मैं वहाँ पहुँचा देता हूँ। पर मेरे बेटे को कुछ मत करना, आप भरोसा कीजिए। मैंने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, मेहरबानी करके भरोसा करो जंगली। मेरी जिंदगी जब तक सुरक्षित है तब तक तुम्हारे बेटे की जिंदगी भी सुरक्षित रहेगी। तुम्हें सेफली पहुँचाने तक मैं अपने ओरिजिनल नंबर को बिल्कुल ऑन नहीं करूंगा। मैं भी एक नए नंबर का इस्तेमाल कर रहा हूं। मेहरबानी करके मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज जंगली। ओके एमएलए साहब, ओके। ठीक, इसी तरह से ट्रेस करते रहो। ओके ओके। ठीक है। देखिए विश्वा। हाँ सर। ये एमएलए का नंबर है, इसे ट्रेस करो और एवरी 50 मिनट्स में खबर देते रहो। मैटर बहुत कॉन्फिडेंशियल है। ओके सर। हो जाएगा सर। ये एमएलए साहब का नंबर ट्रेस करना है। ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है, ओके। सर ये आधा घंटा पहले तलिंगपुरम गांव में था, अभी स्विच ऑफ हुआ है, कनेक्ट नहीं हो रहा सर। ओके, इस नंबर के टच में रहो, कनेक्ट होते ही फौरन इन्फॉर्म करो। सुनो गुल्लू, ये साले क्यों ऐसे परेशान करते हैं? क्या कर सकते हैं, एमएलए का बेटा है ना, पैसे टपकते रहता है, उसे सब खर्चा करता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा हरामजादे लोगों को। हो सकता है एक तरह से ये अलग तरह के चोर हैं और हम अलग तरह के। गुरु,
रोड में ज्यादा गाड़ियां नहीं आ रही है, एकदम मस्त जगह है, जाकर अटैक करेंगे क्या? क्या बोलते हो? बात है यार, आज अमावस्या और पूर्णिमा दोनों एक साथ ही आए हैं। चिंता को दूर करने के लिए कुछ तो किधर भी जाने के लिए सोचा था, लेकिन अब ये क्या? अरे यार, इस जगह फिगर खुद ड्रॉप करने के लिए पूछ रही है, वो भी तुम्हारी अपनी गाड़ी से पूछ रही है। ओह यार, दिखने में तो बहुत मस्त दिख रही है। ऐसा भगवान ही बोलते हैं यार, पहले तकलीफ देते हैं, फिर बर्दाश्त करने को बोलते हैं, और फिर लास्ट में जाके अपना फाइनल तीर चलाते हैं। यार, तेरा अभी अभी एक लड़की से ब्रेकअप हुआ है और तू फिर से लड़की चाहता है, तेरा मन खुश आखिर होगा कब? यार, ये लड़कियों का जो दिल होता है ना, कॉइन डालने वाले फोन बूथ की तरह होता है। बिल्कुल लड़की बिल्कुल कॉइन की तरह होती है, और लड़कों का हार्ट एकदम फोन बूथ की तरह होता है। जब तक एक फोन कट नहीं होता, कोई और कॉइन नहीं डाल सकता उसमें, और लड़के छोड़कर जाने तक किसी और लड़की को देखते भी नहीं है। अभी कॉल भी कट गया है और लड़की भी छोड़कर चली गई है, एक लड़की को देखने में गलत क्या है यार? अच्छा सुन ना, उस लड़की को ड्रॉप कर देते ना, इतने में तो पीछे जंप करके बैठ जाना यार। अरे मेरे भाई, ये दुनिया ही लड़की पर चलती है, अब अपन इसमें क्या कर सकते हैं? चलो मैं तो चला। एडजस्ट कर लेना थोड़ा। अरे क्यों सडनली ब्रेक मारता है? उधर देख, कोई लड़की वहां लिफ्ट मांग रही है, और वो एमएलए का लड़का गाड़ी रोक रहा है, और तुम तो इन लोगों पे अटैक करने को बोल रहे थे ना। अरे ये कौन है? कबाब में हड्डी घुसने जैसा लगता है ये हरामखोर, रोड पर मिलने वाली हर लड़की को इस तरह देखता है। ठहरो, उस जगह में जहाँ कोई भी नहीं है वहाँ किडनैप तो कर देंगे। लिफ्ट दे सकते हो क्या? ओह श्योर। एक्चुअली मेरी बस मिस हो गई, बहुत वेट किया लेकिन कोई बस नहीं मिली, सो प्लीज। मिस रेवती। हाँ मिस रेवती, आपकी जगह कोई और भी खड़ा होता ना तो मैं गाड़ी को ऐसे ही रोकता। देखिए, इंसान इंसान के काम आता है, और कौन आएगा? बैठिए ना, आइए चलो पीछे जाना। पिछले जन्म में कुछ तो अच्छे पुण्य किए होंगे मैंने। भगवान लेट दे रहा है लेकिन लेटेस्ट दे रहा है। इसे सेट कर लेता हूँ यार, बहुत अच्छी लड़की है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आइए। तो जरा इस बैग को रख दोगे क्या? अरे यार, इसी की कमी थी, कहाँ से मुझे पैसा दे दिया जाता है। हे भगवान। अर्जेंटली अपनी माँ को कॉल करके बोल देता हूँ। मेरा फोन किधर है यार? तुम्हारा फोन मुझे क्या पता है यार, तुमने कहीं ढाबे पे तो नहीं छोड़ दिया है? ओह शिट। अरे अपने पास ही तो रखा था, ऐसे कैसे मिस हो गया? ये कैसे हो सकता है मुझसे? एक काम करो, अपना फोन देना मुझे। अरे नेटवर्क नहीं है भाई। यहाँ कहीं भी नेटवर्क नहीं मिलेगा, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ओह शिट। अरे क्यों, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, छोड़ो यार। क्या बात है एमएलए साहब, पसीना छूट रहा है क्या? डर लग रहा है, भयभीत हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है एमएलए। चेक पोस्ट पे मौका मिल रहा है, ऐसा सोच के मेरा कोई स्केच वगैरह बनाया तो तुम्हारे बेटे की जान छा के रहेगी। और बाप रे, ऐसा कुछ भी नहीं है जंगली जी, मैंने किसी भी तरह का स्केच नहीं बनवाया है, मेरे लिए मेरे बेटे की जान जरूरी है। ठीक है एमएलए साहब, आपको तो आपके सिर्फ बेटे की फिक्र है, आप उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, आपके मुंह में घी के लड्डू हैं। फ्रेंड्स, यस सर, आओ इधर।
शिवा, कोई सुराग मिला क्या? सर, प्रोसेस में लगे हुए हैं सर। गुड गुड। मैंने उस जंगली के हर फाइल को स्टडी करके देखा था। वो हर गांव में तरह तरह के गुनाहों का कितना केस बना के रखा है, सबको देखा मैंने। मैं दूसरी तरह से सोच रहा हूँ, लेकिन एक दूसरे से लिंक नहीं हो रहा है। आज तक इससे पहले बड़े बड़े लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इनके क्राइम में, लेकिन अभी किसका सपोर्ट लेकर ये सब कर रहा है पता नहीं। रिवती जी। हाँ, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ कि आप चुपचाप बैठी हैं। कुछ तो बात कीजिए ना, कुछ बताओ ना अपने बारे में। इतनी देर तक मैं चुपचाप बैठा था, बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। अच्छा हुआ इन्होंने शुरू कर दिया। वैसे वहाँ खड़ो के वेट क्यों कर रहे थे? कहाँ जाना है आपको? एक्चुअली आगे जाके मेरे रिलेटिव्स का घर है, तो उनसे मिलने जा रही थी। ओह, ऐसा है क्या? वहाँ नेटवर्क मिलता है क्या? हाँ मिलता है। बहुत देर तक मैं बस का वेट कर रही थी, आप भगवान की तरह वहाँ आ गए। रिवती जी आप भी ना, भगवान बोल के मेरी बेइज्जती मत कीजिए। वैसे आप काम क्या करती हैं? कुछ बताओ उसके बारे में। मैं डेल्टा नाम की कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे काम करती हूँ। ओह साउंड्स गुड, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? BCA। वैसे आपके माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप नहीं है, बचपन में ही गुजर गए। मेरी बड़ी माँ के घर पे पली बड़ी हूँ। ओह आई एम सो सॉरी, सुन के बुरा लगा बहुत। अरे कोई बात नहीं। रिप्ति जी, क्या मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछिए। ओहो, डायरेक्टली पर्सनल मैटर में घुस रहा है ये तो। ये शादी के बारे में आपकी राय क्या है? शादी के बारे में मैंने अब तक सोचा नहीं। अरे बाप रे, अब इसकी दाल नहीं गलेगी। व्हाट अबाउट लव? अभी मुझे उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, आगे कोई अच्छा लड़का मिला तो सोच सकती हूँ। हे जोशी, नेटवर्क मिला क्या? चेक करना। नहीं, यहाँ नेटवर्क नहीं मिलेगा, थोड़ी दूर जाकर के नेटवर्क आ जाएगा। ओके ओके। ए संजू। हाँ यार, वो कार हमको कब से फॉलो कर रही है? हाँ मैंने भी कुछ देर से देखा, इसे लगातार हमें ही फॉलो कर रही है। सच में क्या? एक काम करते हैं, गाड़ी को साइड में लगाते हैं। यार कोई भी गाड़ी को देख के बोलते हो फॉलो कर रही है हमें। तुम भी ना यार कुछ भी सोचते हो यार। अबे गुल्लू, उनको हमारे ऊपर कुछ डाउट हो गया है, उसके लिए गाड़ी को साइड में खड़ा करके हम पर नजर डाल रहा है। तुम एक काम करो, तुम गाड़ी स्लो चलाओ, थोड़ी देर ऐसा जाएंगे हमारे ऊपर का डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, समझे? तुम आगे मूव करो। हाँ, वो लोग काफी देर से मुझे ही घूर कर जा रहे थे, अब तो डर लग रहा है मुझे। अरे आप क्यों डर रही हो? मैं हूँ ना आपके साथ, आपकी सेफ्टी मेरे लिए मेजर प्रायोरिटी है ना? अरे लड़की अपने पास होती है तो सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी। और फिर बताओ। हाँ ठीक है, तब से आप सिर्फ मेरे बारे में ही पूछे जा रहे हैं, कुछ तो अपने बारे में बताओ। मेरा नाम संजू है, MLA हरीशचंद्र जी का एक लौता बेटा, भर भर के पैसा है हमारे पास। लेकिन दिल में बिल्कुल भी चैन नहीं है। लोग कहते हैं कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ पैसा ही होता है, लेकिन मुझे लगता है चैन को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सही कह रहे हो ना? ये तो सही कह रहे हो आप। वैसे क्वालिफिकेशन क्या है? अरे यार, मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में छोड़िए ना, मेरे दिमाग में पढ़ाई घुसती नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मेरे पिताजी मुझे हमेशा गाली देते रहते हैं। पढ़ाई अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, आपका दिल तो अच्छा है ना? लड्डू आके डायरेक्ट मुंह में गिर गया। ठीक है ठीक है, चलो चलते हैं यार, चलो। तो फिर कौन से क्राइम करके MLA से इस तरह की डील किया है, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, इसके पहले ढेर सारे केस धनंजय ने ही हैंडल किए थे सर। मैं ACP धनंजय को जानता हूं, लेकिन उन्होंने इस वजह से रिजाइन किया ये मैं नहीं जानता। एनीवेज सतीश, तुम्हारे पास कुछ नंबर है क्या? हाँ सर, 9448514463। ओके थैंक यू। हेलो। हाँ बोलिए,
नमस्कार, मैं हूँ एसीपी रविशंकर, भारती नगर पुलिस स्टेशन से। ओ, क्या बात है? सर, मुझे जंगली के बारे में आपसे कुछ बातें करनी थी। अरे, जिस आदमी का नाम मैं अपने कानों से सुनना भी नहीं चाहता, आप उसी का नाम ले रहे हैं। सॉरी सर, क्योंकि अभी वो फिर से मुजरिम की दुनिया में आ गया है। अभी हम उसे क्लियर किए बिना ऐसे ही छोड़ दिया तो वो और भी क्राइम करेगा। प्लीज हेल्प कीजिए सर। उसकी कुछ फोटो मैंने कलेक्ट करके रखी हुई है, उसमें से एक फोटो मैं आपको दे सकता हूँ, शायद वो आपके किसी काम आ सकता है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। What sir? What happened? What to do or what not to do? मेरा पंचर हो गया जी। Oh, give me one second. Oh, वैसे अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ सिर्फ हेल्प करने के लिए हैं, आपकी सहायता के लिए हैं सर। आपकी स्टेपनी कहाँ है? नहीं सर, मेरे पास वाइफ है सर, स्टेपनी नहीं सर। सर, वैसे मैंने गाड़ी के लिए पूछा है। नहीं सर, जाने दो। जैक है क्या? कार का जैक नहीं है सर, मेरी बीवी का मैं जैक हूँ सर। ओह अंकल, ऐसे जा रहे हो क्या? विकास, हमारी गाड़ी में जैक और जैकी दोनों, लेकर आओ। चोर कहीं का लड़की पास है तो पंचर भी बनाएगा और पंप भी मारेगा, यही कर तू। ठीक है ठीक है। हे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जानवी। अरे अच्छे से लगाना यार जान। अच्छा। एक काम करो, तुम जैक लगाओ, मैं 5 मिनट में होकर आऊंगा। ठीक है, हम जैक लगाते हैं और तुम समझदार है। कौन सी क्लास में हो? LKG। ओह अच्छा, और स्कूल का नाम क्या है? अरे रे 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 रे, आजो बेटी, गोदी माचो मेरी। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा बताओ मुझे? जानवी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो देखो वो क्या है वहाँ पर। ओह, दीदी को तो वापस तुमने दिया, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों? तुम किस दोगी तो मैं तुम्हें कैंडी दूँ। वो दीदी लड़की है, मैं भी लड़की हूँ, तुम लड़के हो। ओ, दीदी तो मुझे किस करती है, पता है क्या तुम्हें? अरे बाप रे, आप मुझे नीचे उतारो। ठीक है बच्चे। अरे अभी तक लगा नहीं क्या जैक? बेटा, अंकल से कोई ऐसे बात करता है क्या? इस आंटी को अंकल लड़की बोल रहे हैं। आप एक काम कीजिए, इधर ही रहिए, पास में एक गांव है, मैं वहां जाकर पंचर। ओके सर, ओके सर, ठीक है, वापस आ जाना सर।